इनका नाम, इनके घर पे सचिन यादव इनका नाम है और तिजारा टोल टैक्स के पास में इनका मकान है। लगभग 3 साल पहले अपने खेत में ये लोग मकान बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तब भगवान की मूर्ति वहां पर प्रकट हुई। ये सारी बात और सारा चमत्कार जो इनके साथ घटित हुआ है ये खुद अपने आप बताएंगे। नमस्कार। ना ना बोलो बोलो, बात बताएंगे। भाइयों, ये मूर्ति मेरे घर 3 साल पहले निकली थी खुदाई के दौरान। निकलने के साथ साथ एक लोटा आया था, एक लोटे के अंदर निकली राख। राख निकलने के बाद हमने इसको कर दिया पैक। पैक करने के बाद इसको कपड़े में रख दिया। रखने के बाद इसको मतलब घर में रखी रही हमारी। तो अब 2 साल से इसी मंथ में पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मेरा बहुत ज्यादा लॉस जा रहा था। मोबाइल नीचे कर लो। मेरा बहुत ज्यादा लॉस जा रहा था, मेरा डेयरी खत्म हो गया, मेरा फार्मिंग खत्म, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मैं कर्जे में आ गया। कितनी गाय भैंस मर गई आपकी? मेरी 40 गाय मर गई, पूरा डेयरी खत्म हो गया मेरा। 40 गाय जी, पिछली साल इसी मंथ में। और अब की बार इस मंथ के अंदर मेरे पूरे परिवार को पता नहीं क्या होता है, वो बेड पर उठते हैं, गिरते हैं नीचे, उठते हैं गिरते हैं नीचे। और एक बार तो मम्मी को, दादी को और मेरी घरवाली को आवाज आई कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इस घर को छोड़ कर जाओ, निकलो इस घर से, सम्मान नहीं है कुछ भी मेरा, क्या मतलब है ये। बस छोटी मोटी बातें होती रही, उसके बाद नोटिस किया ये चीज जो कुछ कर रही है। तो मैंने इसकी पोस्ट आती थी मूर्ति उस समय, हाँ मुझे नहीं आती, घरवालों को आती, मेरी दादी को, मेरी वाइफ को और मेरी मम्मी को, उनको कहती, उनको बोलती है ये। तो सब करने के बाद मैंने सोचा मैं घरवाले बोल रहे थे, इसकी पोस्ट डाल देता हूँ। मैंने छोटी सी बात लिख के डाल दिया। तो शुभम भाई है, निर्मल भाई के लड़के, उन्होंने मुझसे बात की। बात करने के बाद जो है अब सब लोग सामने। अभी जो अतिशय हुआ, एक मिनट में बोलना चाहूंगा, जब भगवान को हम लेके आने लगे तो वहां पर बरकत भाई लालचंद्र जो बेटे, वीडियो भी दिखाऊंगा, बहुत तेज सवारी आई कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। बोले बाबा लेके जा रहे हैं, मेरा सम्मान करोगे ना? 3 साल क्यों रखी इसने घर पे? अरे यार ये कोई बात बताओ, ये भी कोई बात है भाई साहब, जिस चीज सुनो, हेलो, जिस चीज का ज्ञान नहीं होता ना उसमें गलती होती है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, इसमें तो कोई जा रहा है, ये बात सही है ना? बस सुनो, इसका ज्ञान नहीं है वो तो गलती हो जाती है, ये बात। अगर मुझे ज्ञान होता है तो यार मेरे पे लगे देख देता। अरे सुनो भाई, निर्मल कह रहे हो, सुनो भाई, अरे सुनो, बेईमानी होती कुछ भी होता तो ये यहाँ नहीं आती। यहाँ तो भाई ये यहाँ नहीं आती। सही बोले। अभी जब हम नरेंद्र चाचा जी, मुकेश चाचा जी, हम बड़े समाज के 10-12-15 लोग गए, सुबह शुभम भाई ने इनको फोन किया, मैं 4-5 बार फोन करता रहा, समाज के लोगों से गुजारिश की, चाचा मुकेश जी से गुजारिश की, बोले निर्मल भाई, मैंने भाई को फोन किया, निर्मल भाई मैं 7 बजे फ्री हो जाऊंगा, तब हम और आप मिल लेंगे, घर पे आ जाना। हम सब समाज के लोग इकट्ठे हो गए, भैया ने इस थैले में मेरे को मूर्ति दी, और इस थैले का चमत्कार भैया से पूछ लो क्या हुआ कि निर्मल भाई इस थैले में, भाई थैला प्लास्टिक का है लेकिन जो सूती कपड़ा होता है ना उसको, ये मेरे कम से कम 50 जोड़ी कपड़े खा चुके हैं मेरे, सूती कपड़े मेरे सब खराब कर दिए इसने। केहन बात सुनना, केहन बात, जिसकी की वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रमाण है, लालचंद जी का बेटा बड़ा वाला बरकत भाई, इतनी भयंकर सवारी आई, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बोला बाबा अपने स्थान पर, मेरा सम्मान तो करोगे ना? बोला करेंगे, पूजा अर्चना करोगे ना? तो नरेंद्र चाचा जी जमीन में लेकर बैठ गए, ऐसे मेरी इज्जत करोगे जमीन में लेकर बैठे हो? ऊपर बैठो, ऐसे बोले ऊपर बैठो, ऊपर बैठे, ऐसा सम्मान करोगे? सम्मान करो तो लेके जाना, कैसा सम्मान होगा जानते हो ना? आप सारी बातें कहकर किसी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम सारे घबरा गए, मैं तो घबरा गया। भाई ने पहले मूर्ति मेरे को हाथ में पकड़ाई, मेरे रूम आप गई एकदम से, मैंने यार निर्मल जैसे थैले में हाथ डाला, बोला भाई थैले में हाथ डाल के देख, और थैले में हाथ डालू तो हाथ ऐसे कांपे, बोले इसमें देख कितना काट रखे, जिस चूहे काट रखे ऐसे थैला, जगह जगह से कट कट की आवाज आती है, बोले थैले को पूरा खा जाती, कितने जोड़ी कपड़े में, जैसे शाबाशी दो, कोई घबराहट की बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, बात बहुत सम्मान।